हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर बायोलॉजी का, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर एक्चुअली सेल के बारे में है और हम सेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सेल के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो सेल फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है और शायद इसीलिए जो है इसका जो टाइटल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रखा गया है, ना कि सेल। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर कि व्हाट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बॉडी का। और सेल कभी कभी जो सेल होती हैं वो सिंगल सेल ही एक्चुअली सर्वाइव करती हैं, तो वो सिंगल सेल ही को हम एक ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। थोड़ा बहुत इसका आइडिया आप लोगों को दिया गया है। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, और जो कई सेल्स को मिला करके बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। तो ये जो सेल है इसका, ये सेल की स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई, तो यहाँ पे आपकी बुक में बड़े अच्छे से दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन। तो जिनका नाम आता है सबसे पहले, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो आप देखिए, व्हाइल एग्जामिनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक पतला सा स्लाइस कॉर्क का। कॉर्क आप जानते हो कि बहुत सारे बॉटल्स में कॉर्क लगा होता है ढक्कन के तरह, और अगर आपको नहीं दिखता होगा तो आप अपने लैब में देखेंगे तो ये कॉर्क लगा होता है ढक्कन की जगह बॉटल के। तो ये कॉर्क होता है, बनता है बार्क से, ट्री के बार्क से बनता है। बार्क जो होता है वो सॉफ्टर पार्ट ऑफ द ट्री ट्रंक होता है, तो उससे बनता है ये। तो एक कॉर्क जो होता है वो कहीं ना कहीं एक सूखे पेड़ का, सूखे पेड़ से बना हुआ होता है। तो उसका एक स्लाइस काट करके रॉबर्ट हुक ने एक अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप पे उन्होंने उसको देखा था 1665 में। इस चीज़ को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था और उन्होंने देखा, क्या देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे उसके अंदर, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम उनको दिखाई दिया, कोई स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, जैसे हनीकॉम में आप देखते हो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ऐसे पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। तो उन्हें लगा ये जो स्पेसेस हैं तो ये एक रूम्स हैं, तो एक छोटे छोटे रूम्स के हिसाब से उन्होंने एक नाम दिया उनको सेल। ठीक है, उन्हें एक लिटिल कंपार्टमेंट जो दिखाई दिए, तो लिटिल कंपार्टमेंट्स लैटिन लैंग्वेज में छोटे कमरों को सेल कहा जाता है। यहाँ पे भी बहुत जगह आपको सेल यूज़ होता है छोटे कमरों के लिए, जैसे जो पुलिस स्टेशंस होते हैं उसमें जो जेल होती है वो बहुत ही छोटा सा कमरा होता है, उसको सेल कहते हैं। और सेल नंबर होता है जेल का, जो भी जो काउंट होता है तो उसमें सेल नंबर लिखा होता है। और सेल आप वीआईपी सेल बहुत जगहों पे होता है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे वीआईपी सेल होता है जो नेता वगैरह के लिए होता है। तो वो ऐसा रूम होता है जो जहाँ पे कोई अगर वीआईपी पर्सन है जिसको हॉस्पिटल में कोई काम है, तो वो सेल होता है जो एक मीडियम का काम करता है उस पर्टिकुलर वीआईपी पर्सन और हॉस्पिटल के बीच में, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होता है। तो आप और स्लीपर सेल भी आपने सुना होगा, तो सेल मतलब स्मॉल रूम, खैर कई जगह यूज़ होता है, इंडिया में भी यूज़ हो रहा है फिलहाल। तो इसीलिए जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, तो उनको छोटे छोटे रूम्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि सेल है। जो सेल उन्होंने उस समय कहा, आज भी वही सेल यूज़ होता है। तो उन्होंने ये सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखा था 1665 में, और उन्होंने इसका नाम सेल दिया। जो उनका माइक्रोस्कोप था उन्होंने खुद बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसका, बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं था, फिर भी उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया वो चीज़ें सामने रखी उन्होंने। आप इसमें देखो, आपको लिखा भी है कि रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स एंड अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। तो सेल क्या है, लैटिन वर्ड फॉर लिटल रूम है। एंड दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट,
क्योंकि ये जो उन्होंने उस समय डिस्कवरी की थी और उसका कोई कोई उस समय ऐसी कोई मांग नहीं थी, ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि ऐसी कोई चीज़ होती है, लोगों के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज़ नहीं हुआ था। तो जब तक किसी चीज़ की कोई ग्रेविटी नहीं होती, उस समय अगर आप कोई चीज़ अगर आप बताते हो या कोई चीज़ देते हो तो उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं होता। तो इट वॉज़ अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट नॉट सो मच सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं हुई उस समय क्योंकि उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा एक बेंचमार्क बना हिस्ट्री में कि हाँ, एक सेल के बारे में सबसे पहली खोज अगर किसी ने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट था ये, जो उस समय रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, उस समय उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी बाद में मिली। एंड दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का थोड़ा आइडिया था लोगों को, और बहुत सारे ऋषियों ने भी इस चीज़ को बताया था। शायद एक ऋषि थे, कणद ऋषि थे, उन्होंने भी बताया था कि सबसे पहले कि जो भी मैटर है, मैटर अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, तो उन्होंने उसको कोई नाम नहीं दिया था, शायद अणु या परमाणु इस तरीके से कहते थे, तो उनको एक छोटे पार्टिकल से बना हुआ कहते थे। तो मैटर जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको ही लोगों ने कंसीडर किया उस समय। तो नॉन लिविंग चीज़ें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई हैं, चाहे वो उनको एटम्स आप ले लीजिए तो एटम से बनी हुई हैं, उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं। लेकिन एक लिविंग किसी भी लिविंग थिंग के विषय में किसी ने इस तरह नहीं सोचा था कि लिविंग थिंग्स भी कुछ छोटे यूनिट से बने होंगे, बिकॉज लिविंग थिंग्स वर कंसिडर्ड एज अ होल कि हाँ, एक लिविंग थिंग जो भी है वो वैसे का वैसे है, उसका कोई यूनिट है जिससे डिवीजन होकर के वो बन रहा है, तो ऐसा कुछ किसी के मन में आइडिया नहीं था। लेकिन ये पहली बार ये आइडिया को उन्होंने सामने रखा तो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, और धीरे धीरे फिर इस दिशा में कार्य होने लगे, बहुत सारे और भी कार्य होने लगे। तो बाकी बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल की थी। डेड सेल का मतलब हुआ कि जो पेड़ से उन्होंने निकाला था, तो सीधी सी बात है, सूखे पेड़ से निकले हुए कॉर्क होते हैं, और वो कॉर्क का अगर स्लाइस आप लोगे तो वो डेड सेल ही होगी, तो ना उसमें कोई आपको सेल ऑर्गेनल वगैरह देखने को नहीं मिलती। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डिस्कवरी बढ़ती गई और अच्छे माइक्रोस्कोप्स वगैरह आए तो इसकी डिस्कवरी हुई, और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको इसमें दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम आप देखिए, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में उन्होंने अपने एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था, उन्होंने ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स, उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था, और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल्स थी। तो इसी तरह से धीरे धीरे सब ने जो है काफ़ी, फिर रॉबर्ट ब्राउन थे, परकिंजे थे इन 1839, कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो उन्होंने सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह भी के टर्म को भी कॉइन करने लगे, बताने लगे कि सेल के अंदर भी क्या क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से माइक्रोस्कोप्स वगैरह डिवेलप हुए उस हिसाब से जो है आगे की डिस्कवरीज चलती रही। तो लेकिन जो सबसे पहला ये चीज़ था, ये टर्म ये सेल का, ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। हम आगे देखें तो सबसे पहले जो है ये अधिकतर सभी बुक्स में ये एक्सपेरिमेंट दिया होता है कि आप एक जो लाइव एग्जांपल देख सकते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, वो है आप एक ऑनियन एक प्याज आप ले करके आप देखें तो उसका एक छोटा सा पील आप निकालें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब एंड पील ऑफ द स्किन, है ना, पील ऑफ द स्किन, उसका जो स्किन है उसको थोड़ा सा छील लें। कैसे छीलेंगे, वो जो उसका एपिडर्मिस होता है, वो झिल्ली जैसा जो पार्ट होता है, आप उसको थोड़ा सा निकाल लें उसमें से, और इमीडिएटली उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और इमीडिएटली वॉच ग्लास पे रख दें कंटेनिंग वाटर। क्यों वाटर कंटेनिंग वॉच ग्लास पे रखना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से सिकुड़ने लगता है ना, सो दैट ये देखो पील फ्रॉम गेटिंग दैट इट विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई।
तो सूखने या फिर उसको फोल्ड होने से रोकता है, क्योंकि अब अगर आप उसको वॉच ग्लास पे जो वाटर है अगर उसके ऊपर रख देंगे तो वैसे का वैसा रहेगा। एंड वॉट डू वी डू विद दिस पील, हम इस पील के साथ क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे किस पे, एक माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपकी बुक में दिया है एनसीईआरटी के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हमें क्या दिखेगा। हमें दो दो बार ऑब्जर्वेशन करनी है, एक बार लो पावर माइक्रोस्कोप में, एक बार हाई पावर माइक्रोस्कोप में। हैं यहाँ पे हमें जो दिखाई देगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हो, ये जो बाउंड्री स्ट्रक्चर है ये कैसा है, इसको हम सेल्स कहते हैं, ये हमारा सेल्स है। और ये जो बीच में डॉटर स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है ये सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल होता है वो न्यूक्लियाई होता है। तो हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे सब अलग अलग जो है सेल्स में, ठीक है। तो ये सेल्स में, ये ऑनियन पील, सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील, आप इस ऑनियन पील के सेल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स, हम इस तरह से कुछ टेम्परेरी माउंट्स बना सकते हैं किस चीज़ के, ऑफ पील्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। हम अलग अलग साइजेस के जो है ऑनियंस लेकर के उनकी जो पील्स हैं इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये देखें कि क्या सभी जो पील्स हैं वो चाहे बड़े साइज़ का ऑनियन हो या छोटे साइज़ का ऑनियन हो, उसके जो ये हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या सिमिलर स्ट्रक्चर हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर में हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी कि बड़े बड़े जो बड़े ऑनियन का पील है उसका हम देखें सेल्स, और छोटे ऑनियन का पील है उसके भी सेल्स देखें, तो ये हम ऑब्ज़र्व करें क्या इनके जो है सेल्स हैं ये सिमिलर हैं या फिर बड़े या छोटे हैं। तो आप देखेंगे कि चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो उनके जो सेल्स होंगे वो उनकी जो साइज़ है मोस्टली सिमिलर होगी। कैसी होगी, सिमिलर होगी, ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर, एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। और यही सेल्स जो हैं एक साथ मिल करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना बड़ा, एक ऑनियन बल्ब के जितना, क्योंकि वो एक ऑनियन का सेल है। तो ये सारे सेल्स, यही छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिल करके ऑनियन बल्ब के बराबर का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उसको एक मल्टी सेलुलर आप कहें तो एक ऑर्गेनिज्म होता है देखें तो, क्योंकि प्लांट, इसीलिए ये सारे छोटे छोटे सेल्स दे कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म दैट ऑनियन बल्ब। एंड वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट, हम इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है कि ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, है ना, कि ये जो है डिफरेंट साइजेस के ऑनियन बल्ब्स जो हैं उनके पास ये सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर है। इसी स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, सेल। तो इनके जो सेल्स हैं वो सब सिमिलर हैं भले ही उनका जो है साइज़ कुछ भी होने दो। तो विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ साइज़ ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस साइज़ के ऑनियन से उसे लिया गया है, ठीक है। तो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। ये जो हम स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, ये क्या है, यही इसकी बेसिक यूनिट है, और इन्हीं से ये बहुत सारा बना हुआ है, बहुत सारे इसी तरह के बेसिक यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, हम इसको क्या कह रहे हैं, सेल्स कहते हैं। एंड नॉट ओनली ऑनियंस, खाली हम ऑनियन की बात नहीं है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड, हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं आसपास अपने, वो सारे जो है किससे हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बने हुए हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन दियर ओन, अगर हम बात करें तो ये सिंगल सेल्स भी होती हैं जो अपने आप स्वयं पर निर्भर होकर रह लेती हैं अकेले ही, वो कॉन्स्टिट्यूट करके एक टुगेदर होकर के इकट्ठे होकर के कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बनाती, वो सिंगल सेल अकेले ही जीवित रहती हैं, है ना। तो
उन वो के कौन सी होती हैं, जैसे द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब है कि जो चीज़ें हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती, ऐसा भी एक दुनिया है जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती, लेकिन पहले हमें उसके विषय में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज का जो बड़े बड़े मैग्नीफाइंग लेंसेज हैं उनका आविष्कार, हाई पावर वाले, बड़े बड़े से मेरा मतलब हाई पावर है, साइज से नहीं, तो जो हाई पावर वाले मैग्नीफाइंग लेंसेज का जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी होने लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों वर्ड आए हुए हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग लेंसेज के इन्वेंशंस होते गए वैसे ही हमें जो है हेल्प मिलती गई, जो भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड था जो हम नहीं देख सकते थे नेकेड आइज से, उसकी डिस्कवरी में हमें मदद मिली और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में हमें अधिक जानकारी जुटा पाए। सो इट इज़ द नाउ नोन दैट सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और वो उसको जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं अमीबा, क्लाइमिडोमोनस, और यहाँ पे पैरामीशियम देख सकते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं, यूग्लिना होता है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वी कॉल देम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑन अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें मल्टी सेलुलर की तरफ, तो मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, बहुत सारी सेल्स इकट्ठे होकर के एक सिंगल बॉडी में इकट्ठा हो जाती हैं, एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाती हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हम उन्हें मल्टी सेलुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, तो जो ज़्यादा होती हैं बहुत सारी होती हैं इसीलिए हम उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं, और मल्टी का मतलब होता है मेनी, ठीक है। सच एज सम फंजाए, अगर हम उसका एग्जांपल लें तो जैसे कुछ फंजाए हैं जो फंगस, इसको हम कहते हैं फंगस जो होता है वो सिंगुलर होता है, फंजाए प्लूरल होता है, प्लांट्स हो गया एंड एनिमल्स हो गया, तो ये सब क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे भी मैंने प्लांट की बात की, जैसे प्लांट में आपको प्लांट का आपका एक ऑनियन है, ऑनियन इज़ अ प्लांट, तो ऑनियन भी मल्टी सेलुलर था इसीलिए उसमें आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई पड़े आपने जब भी माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखा। सो कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको जैसे प्रोटोजोवंस हैं, प्रोटिस्टा हो गया, जो प्रोटिस्टा के अंदर में जितने आते हैं मोस्टली सब यूनिसेलुलर होते हैं, और आपके जो बैक्टीरिया में है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, है ना, और क्योंकि जो उनका शेप होता है उस हिसाब से उनको नाम भी दिया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, तो ये सब जो है यूनिसेलुलर होते हैं। यूग्लिना हो गया, तो ये सब क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल ही है जो सरवाइव कर रही है अपने आप पे, और ये अपने आप में सिंगल सेल से ही अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल, और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका जो राइज हुआ है वो हुए किससे हैं, सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं, क्योंकि जो भी आप देखें चाहे वो स्पर्म हो या एग हो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिस तरीके से एग होता है या स्पर्म होता है ये भी सिंगल सेल ही होते हैं, और जब यहाँ तक कि जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो भी वो सिंगल सेल ही होते हैं, जबकि पहला जो आप आगे पढ़ेंगे या कुछ आपको आइडिया भी होगा कि ये हैप्लॉइड होते हैं, बाद में जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड हो जाते हैं, और फिर तब भी वो सिंगल सेल ही रहते हैं, और उसी सिंगल सेल में सेल डिवीज़न होता जाता है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और माइटोसिस के थ्रू ये सेल डिवीज़न जो है माइटोसिस, इसी माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे अपने जैसे सेल्स बनते हैं जिसको कहते हैं कि सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ दियर ओन काइंड। तो ये सेल्स डिवाइड होते हैं अपने जैसे सेल्स बनाने के लिए, तो एक सेल होगा तो एक से दो सेल बन जाएगा, और यही दो सेल से फिर चार सेल बन जाएंगे, इन्हीं चार से फिर आठ सेल बन जाएंगे, इसी तरह से ये डिवीज़न होता चला जाता है और बहुत सारा इकट्ठे होते हैं, और ये जो ग्रोथ होती है उसकी होती चली जाती है।
तो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक सेल से दो बना, दो से चार बना, तो जो भी सेल्स आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। पहले पहले कोई सेल होगा, उसी सेल से ये सारे सेल्स बनते हैं, और ये सेल्स जो है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, जो एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स बनते चले जाते हैं। आप देखेंगे तो शेप अगर देखें तो सेल्स का अलग अलग शेप होता है, जो भी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनके फंक्शन के आधार पर उनके सेल्स होते हैं। तो जिस तरह के, जैसे आप एक स्मूथ मसल्स आप देख सकते हैं, स्मूथ मसल का सेल है, स्मूथ मसल का सेल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जिस तरह का सेल पढ़ते हैं नॉर्मली, सेल और उसके ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं, तो एक सर्कुलर मोस्टली हम बना लेते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है प्लाज्मा, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम इस तरीके से चीज़ें बनाते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर पूरी सेल ऑर्गेनल बनाते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम बनाते हैं, एक सर्कुलर हम फिगर लेकर के बनाते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो इससे काफ़ी डिफरेंट जो है, बाकी के सेल अपने अपने शेप के हैं, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से उनका शेप होता है। ये आप स्मूथ मसल की सेल देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से है, और ये ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स डिस्क शेप में होती हैं, जिसको कहते हैं कि एक राउंड शेप में। और ये नर्व सेल है जो सबसे डिफरेंट आपको दिखेगी, ये नर्व सेल में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग जो सेल्स होती हैं, जो जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उस तरह की उनकी कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे इसकी बात करें तो इसमें कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो दूसरों में नहीं होते, ये जैसे डेंड्राइट हो गया, और आपका ये एग्जॉन बटन, इसको बोलते हैं एग्जॉन बटन बोलते हैं, ये एग्जॉन हो गया, ये इसकी जो लेंथ है ये एग्जॉन है, और ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं छोटे छोटे, ये जो पूरी है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी टिपिकल होता है ये, और कई तरह के होते हैं ये, जैसे यूनिपोलर नर्व सेल होती है, यूनिपोलर, बाईपोलर, सूडो यूनिपोलर, तो इस तरीके के ये डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व सेल भी होते हैं। लेकिन जो भी होते हैं जिस तरीके से, तो ये अपने फंक्शंस के आधार पर इनका जो शेप होता है वो होता है। आप ये ओवम और स्पर्म की बात अभी हम कर रहे थे, तो ओवम भी एक सेल होता है, स्पर्म भी एक सेल होता है। ये बोन सेल का आप देख सकते हैं शेप कैसा है, और फैट जिसको हम लिपिड कहते हैं, लिपिड या फैट का सेल आप देख सकते हैं ये किस तरीके से होता है। तो सारे जो सेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उसी हिसाब से उनका जो है शेप होता है। तो आप देख सकते हैं कितने सेल्स सारे ही हैं, सारे एक ह्यूमन सेल्स ही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये जितनी भी सेल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं, लेकिन हैं तो ह्यूमन बॉडी की सेल्स, लेकिन आप इनका शेप एंड साइज़ देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है, और जो भी जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है उस तरह की इनकी सेल की शेप या साइज़ बनी हुई है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो यही हम बात कर रहे थे अभी कि जो भी शेप एंड साइज है वो उनके जो है फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से उनका शेप और साइज होता है। और हम बात करें अमीबा की, हैव चेंजिंग शेप्स, तो इसका जो शेप होता है अमीबा का, ये आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ये अमीबा है, इसका जो है ये न्यूक्लियस होता है और इसका शेप हमेशा चेंज होते रहता है। ये तो अभी इसको तो जो फूड ऑब्टेन करने के लिए भी अपना शेप चेंज करता है, फूड को अंदर एनगल्फ कर लेता है, उसके बाद जो भी होता है इसको खा करके, उसके बाद एक्सक्रीशन भी इसी तरह से कर लेता है, क्योंकि अपना शेप चेंज करेगा और एक्सक्रीशन कर लेगा ये शेप चेंज करके, और ये मटेरियल बाहर हो जाता है। तो ये अपना शेप हमेशा चेंज करते रहता है कंटिन्यूसली, और इसी शेप चेंज करके ये मूवमेंट भी करता है। तो इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर। तो किसी भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो भी सेल्स का शेप है वो
चेंज हो सकता है अलग अलग केसेस में, अलग अलग फंक्शंस के आधार पे। और कुछ तो बहुत ही अद्भुत होते हैं, कुछ अलग ही होते हैं, बहुत ही अनोखे होते हैं। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो नर्व सेल है, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, जिसकी बात हमने अभी सबसे ज़्यादा की कि उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। और नर्व सेल अगर आप बात करें तो बहुत लंबे हो सकते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी होती हैं, और दे कैन एक्सटेंड अप टू 1 meter, एक लगभग 1 meter तक वो लंबी हो सकती हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फॉर्म्स। And how does a living cell perform these basic functions? We know that the division of labor, आप देखें तो division of labor यानी कि जो काम है वो कैसे सबको divide होता है, जैसे organs हैं body के, different organs हैं, तो सबका जो काम है वो divide किया गया है, different parts जो हैं वो body parts वो different function करते हैं। अगर humans की बात करें हम तो यहाँ पे heart है blood को pump करने के लिए, stomach होता है digestion of food के लिए, तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी में। और जिस तरह से ये हैं, इसी तरह से सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अगर आप एक सिंगल सेल देखें तो जिस तरीके से यहाँ डिफरेंट सेल्स हैं, सॉरी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, उसी तरह जो अगर सिंगल सेल है तो सिंगल सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गनल्स होते हैं, वो ऑर्गनल्स अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग ऑर्गनल्स उसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर विद इन द सेल होते हैं। तो जैसे हम लिखा है सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर भी आप देखेंगे तो अलग अलग जो भी काम है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। तो उसके अंदर जो है जो अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल की ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। एंड ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। और हर अलग अलग तरीके की जो सेल ऑर्गेनल होती है वो अलग अलग तरीके की फंक्शंस करती हैं, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लीनिंग अप, क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। आप देखेंगे तो सेल के अंदर की जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे क्लियरिंग अप होता है, जैसे आप देखेंगे एक्सचेंज ऑफ CO2 वन कार्बन सॉरी ऑक्सीजन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग अपना वर्क परफॉर्म करती हैं सब। सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, और इन्हीं ऑर्गेनल्स के दम पे ये अपने सारे वर्क्स को परफॉर्म करती है। इट परफॉर्म्स ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। तो इसने जितने भी फंक्शन ये सेल परफॉर्म करती है यहीं सारे ऑर्गेनल्स के दम पे करती है। एंड दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो ये सेल की भी सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं ये इस सेल के कंपोनेंट्स हैं, और यही कंपोनेंट्स सब साथ में मिल करके एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। यही एक बेसिक यूनिट जो हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। तो किस ऑर्गेनिज्म में ये मिल रहा है या किस क्या फंक्शन करती है आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो सेम रहेंगी, कुछ ऑर्गेनल सेम रहेंगी। जैसे हम देखेंगे कि वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स, सेल में स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हाउ इज़ द सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल ऑर्गेनाइज कैसे होती है। इफ़ वी स्टडी सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 features इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर हम थोड़ा सा उसको स्टडी करें सेल के फीचर्स को, ठीक है, अगर हम सेल के फीचर्स को स्टडी करें तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट एवरी सेल है ना, एवरी सेल, ऑलमोस्ट एवरी सेल, हम सभी सेल में देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो कॉमन है। मैंने जैसे दिखाया आपको नर्व सेल में बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा थी, वैसे ही बहुत सारी सेल्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनल्स हैं जो सब में कॉमन होते हैं। वो हो गई आपके जैसे प्लाज्मा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया और आपका साइटोप्लाज्म हो गया, जो लिक्विड उसके अंदर रहता है सेल के अंदर। तो ये तीन जो है ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी सेल के अंदर होती हैं, जो लगभग लगभग सारे सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। बाकी और भी चीज़ें सेल्स के अंदर होती हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ सेल इट इज़ एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़ परफॉर्मिंग। तो अपने जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से उनका साइज़ एंड शेप भी होता है और उनके ऑर्गेनल्स भी डिसाइड होते हैं। लेकिन कुछ बेसिक ऑर्गेनल्स हैं जो उसके अंदर होते हैं, सारे सेल्स के अंदर होते हैं लगभग, जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और आपकी साइटोप्लाज्म हो गया। सो ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। इन्हीं सबके इनके जो फीचर्स हैं, इन जो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, इनके जो फीचर्स हैं, इन्हीं की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई अगर इंटरेक्शन हो पाता है तो इन्हीं की वजह से हो पाता है, इनकी जो फंक्शंस हैं, इनके जो फीचर्स हैं उसकी वजह से। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी सेल के अंदर की चीज़ें हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है। और बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं इसके, ये सेमी परमिएबल होती है इसकी, इस जिस वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में अगले लेक्चर में, एंड फ़िलहाल अभी तक के लिए यही, और गुड बाय।